नमस्कार दोस्तों मैं अशोक कुमार साहू आपका मेंटर आपका करियर गाइड स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुगले स्टूडियो में प्यारे दोस्तों अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एम के बारे में और एम किस तरह से किया जाता है आइए चलिए जानते हैं क्लियर तो देखिएगा दोस्त कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग से रिलेटेड क्या प्रोसीजर होता है सबसे पहले हम देखेंगे ये जो इमेज शो कर रहा है वो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन शो कर रहा है फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी कोयल इसके अंदर लगा हुआ है यहां पर ओके रेडियो फ्रिक्वेंसी कोयल दूसरा है ग्रेडियंट और पेसेंट प्लेटफॉर्म ये है मैग्नेट ओके और ये एम्बेडेड स्कैनर है और ये पेसेंट है इस तरह का एक सिस्टम होता है जिसके माध्यम से हम इसकी इमेजेस को कैप्चर करते हैं आफ्टर दैट फ्टर ना आवाज वगैरह आ रहा ना प्रॉपर अरे भाई बोलो हाँ ठीक है ठीक है आ रहा है सब सुनाई दे रहा है चलिएगा डेफिनेशन देखते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इज अ नॉन इन्वेसिव स्कैनिंग टेक्निक दैट प्रोवाइड्स विजुअलाइजेशन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन और स्ट्रक्चर बाय मींस ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स रैदर देन बाय आयोनाइजिंग रेडिएशन यानी कि दोस्तों सीटी स्कैन और एम वाले जो दोनों ही प्रोसीजर से इनमें डिफरेंस क्या है अब यहां पर पहले हम जो कर रहे थे जो भी जांच कर रहे थे सीटी स्कैन या एक्सरे वो सब रेडिएशन बेस्ड इन्वेस्टिगेशन थे अब जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो मैग्नेट बेस है यानी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके और अब हम बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को और स्ट्रक्चर्स को इन्वेस्टिगेट करेंगे इमेज कैप्चर करेंगे तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इज अ नॉन इन्वेस्टिव स्कैनिंग टेक्निक प्रोवाइड्स विजुअलाइजेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन और स्ट्रक्चर बाय मींस ऑफ अ मैग्नेटिक फोर्स किसके माध्यम से मैग्नेटिक फोर्सेस के माध्यम से दोस्त मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर दिखने में इस तरीके का होता है एमआरआई स्कैन ये जो प्रोसीजर आप देख रहे हैं ये पेशेंट को एम मशीन के अंदर भेजा जा रहा है सेंड किया जा रहा है जिससे कि हम इसको इंटरनल ऑर्गन को कैप्चर करेंगे क्या पर्पस होते हैं एम कब लिखी जाती है आइए जानते हैं टू डायग्नोस द पैथोलॉजिकल रीजन इन द ऑर्गन्स और टिश्यूज टू प्रोवाइड द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन नॉर्मल और पैथोलॉजिकल टिश्यूज नॉर्मल टिश्यू और पैथोलॉजिकल टिश्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसा करते हैं टू डिस्टिंग ग्रे मैटर एंड टू आइडेंटिफाई द सच कंडीशनिक टिश्यूज ऑक्सीजन डेप्राइव टिश्यूज स्मॉल मेलेग्नेंसीज डिजेनरेटिव डिजीज ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेरिब्रल और स्पाइनल कोडेडिमा हेमरेज और कंजेनाइटल एनोमैलीस क्लियर है देखिएगा इंडिकेशन क्या क्या होते हैं कौन कौन सी कंडीशन में एम आर आई नहीं किया जा सकता है तो फर्स्ट हम देखते हैं प्रेजेंस ऑफ द डिवाइस यह बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चन बनेगा यहां से यदि अगर कोई पेशेंट है और उसको कोई भी ऐसा डिवाइस जो एम्प्लांटेबल है जैसे कि हार्ट वॉल्व सर्जिकल और क्लिप्स प्लेट इंटरनल ऑर्थोपेडिक स्क्रू रोड या पैसमेकर डी फैब ऐसा कोई भी इक्विपमेंट अगर पेशेंट को इम्प्लांट किया हुआ है दोस्त तो ध्यान रखना अरे भाई बोलो उसको क्या नहीं किया जा सकता है उसे एम आर आई नहीं कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सब जो है ये सब मेटल बेस्ड इक्विपमेंट हैं और अगर एम आर आई किया तो पेशेंट में ये इक्विपमेंट जो है वो खराब हो जाएंगे पेजेंस ऑफ द प्रोस्थेटिक डिवाइसिस पेशेंट ऑन द रेस्पिरेशन रेस्पिरेटर्स प्रेगनेंसी और एपिलेप्सी ऐसी कंडीशन से जिनमें एम आर आई कॉन्ट्राइंडेट होता है प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करें टू द पेशेंट और इन्फॉर्म द पेशेंट वॉट ही हैज टू एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीजर क्लियर देन असिस्ट वेदर द पेसेंट है थ्री हंड्रेड पाउंड बॉडी वेट स्पेशल क्वेश्चन याद रखिए वीआईपी क्वेश्चन कि यदि अगर पेशेंट को एमआरआई किया जाना है तो उससे पहले क्या चीज मैटर करती है तो मैटर करती है उस व्यक्ति का वेट क्यों मैटर करता है? क्योंकि ऐसे व्यक्ति जिनका वेट 300 पाउंड से ज्यादा होता है, है। इन व्यक्तियों का MRI नहीं किया जा सकता है। याद रखना ये क्वेश्चन ओके हेवी वेट वाले क्लाइंट्स का अस द पेशेंट फॉर एनी इंडिकेशन प्रोसीजर इज इंडिकेटेड इन द एबो कंडीशन द मैग्नेट में कॉज द मूवमेंट ऑफ द मेटल और इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट इन साइड द बॉडी यानी सिंपली हमने कहा है दोस्त कि कोई भी इम्प्लांटेबल डिवाइस यदि अगर पेशेंट की बॉडी के अंदर लगा हुआ है तो ऐसे केसेस में हम उस पेशेंट का एमआरआई नहीं कर सकते असिड पेशेंट फॉर द क्लस्ट्रोफोबिया

कि क्लाइंट को अगर क्लस्ट्रोफोबिया है तो आप याद रखिए उस पेशेंट को क्या नहीं किया जा सकता एम नहीं किया जा सकता और कर सकते हैं तो फिर अगर क्लस्ट्रोफोबिया है तो क्या करना पड़ेगा करना होगा, के बाद ही हम इस पेशेंट का एम कर सकते हैं अस इज द पेसेंट एबिलिटी टू रिमैन स्टिल थ्रू आउट द प्रोसीजर एनी मोमेंट में प्रोड्यूस द आर्टिफेक्ट पैसेंट मस्ट रिमैन स्टिल थर्टी से नाइन मिनट तो प्रोसीजर जो एम का होता है उसमें लगभग तीस से नाइन्टी मिनट का समय लगता है और इसलिए पेशेंट को इस समय पर बिल्कुल क्वाइट एंड स्टिल रहने का आदेश दिया जाता है फॉर द एलर्जी टू द डाई और कॉन्ट्रास्ट मीडियम डाई और कॉन्ट्रास्ट के प्रति एलर्जी हो तो चेक कर लीजिएगा टेल द पेशेंट टू एमटी द ब्लैडर बिफोर द प्रोसीजर नॉन इंटर ऑफ द प्रोसीजर रिमूव ऑल मेटेलिक ऑब्जेक्ट फ्रॉम देशेंट सच एज द वॉच ज्वेलरी कोइन की हेयर पिन क्रेडिट कार्ड और डेंचर्स कंटेनिंग द मेटल्स ये सब अगर आप पेसेंट में देखते हैं तो इन्हें रिमूव करना होगा एम आर आई करने से पहले क्यों मेटलिक ऑब्जेक्ट विल क्रिएट द आर्ट इफेक्ट ऑन द स्किन एंड सम मेटल ऑब्जेक्ट में बी डैमेज बाय द मैग्नेटिक फील्ड

दोस्त यदि अगर पेशेंट का जो जैसे कि जो सीटी स्कैन का इंटरनल जो आप देखेंगे उसका इंटीरियर उसके अंदर स्पेशल टाइप का हेलमेट अराउंड द हेड इफ इट इज टू तो बी स्कैंड और secure the patient on the table, velcro यदि अगर ऐसा होता है तो अंदर ही उसका इंटीरियर के अंदर इस तरह का सिस्टम होता है कि आप पेशेंट पेशेंट को को हेलमेट दीजिएगा जिससे स्कैन होगा होगा और दूसरा के माध्यम से उस को फिक्स कर दीजिए ताकि मूवमेंट्स ना करे वरना की जो रिपोर्ट uh, होगी उसमें आर्टिफेक्ट क्रिएट हो जाते हैं पेसेंट फ्रॉम मूविंग ड्यूरिंग द प्रोसीजर कम्युनिकेशन बिटवीन द पेसेंट और टेक्नोलॉजिस्ट तो साउंड पेशेंट को ना सुनाई दे इसलिए आप क्या करें ईयर प्लग्स उसके ईयर के अंदर लगा दीजिएगा जिससे कि इन्वेस्टिगेशन के समय पैसेंट को कोई परेशानी ना हो After examination assist the patient to sitting or then to standing position slowly. Decrease possibility of the orthostatic hypotension. याद रखिए यहां से क्वेश्चन बनता है कि पेशेंट को एम आर आई के बाद में orthostatic हाइपोटेंशन होने की चांसेस होते हैं और इसलिए क्लाइंट को सिटिंग पोजिशन में या स्टैंडिंग पोजिशन में जिसमें भी है पेशेंट उसको असिस्ट करना ही चाहिए Then evaluate the patient's status after the procedure. Record in the patient chart, time, site where MRI is performed. If the contrast medium used, record the patient tolerance of the procedure. Report the duration of procedure, patient's response to the nurse in charge. All these should be maintained in the nurse's record. आप ये याद रखें हर प्रोसीजर में कि आपको जब भी प्रोसीजर कंप्लीट होगा तो कौन कौन सी बातें होती है जो रिकॉर्ड के अंदर हमें लिखनी होती है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ओके देन स्पेशल कंसिडरेशन सर्टेन टाइप ऑफ द आईज मेकअप परमानेंट आई आईलाइनर्स दैट कंटेन मेटलिक फ्रेगमेंट कॉजेस डिसकंफर्ट ड्यूरिंग दर आई याद रखना दोस्तों और आईज मेकअप हो रहा हो या परमानेंट आई लगा हुआ है तो ये भी एम की जांच में इंटरफेक्ट क्रिएट करते हैं इसलिए आप इनको भी रिमूव करिएगा जांच में पेशेंट को भेजने से पहले कॉमन मेटेलिक इक्विपमेंट जैसे सीजर ऑक्सीजन टैंक electric devices can become lethal when exposed to the strong magnetic field therefore a thorough screening of the all visitors and staff is mandatory before entering the room यदि अगर ऐसा कोई भी डिवाइस है तो ये खराब हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के कारण ओके इसलिए इनसे रिलेटेड भी हमें सावधानी बरतनी होगी मेटेलिक इक्विपमेंट से रिलेटेड ये लेक्चर के स्टार्टिंग में भी हम देख चुके हैं और ये जो स्लाइड्स आप देख रहे हैं अब आपको कहा जा सकता है ये स्लाइड दिखा करके कि इन स्लाइड्स को देखकर कर आइडेंटिफाई करके बताइए कि ये सीटी स्कैन के स्लाइड्स हैं या एम के तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए इससे पहले मैंने अभी सी स्कैन वाला लेक्चर पढ़ाया है तो उसमें आपको सिटी स्कैन वाली स्लाइड्स दिखाई थी और ये जो स्लाइड्स हैं वो एम से कैप्चर की गई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस फोर्स के द्वारा क्रिएट की गई स्लाइड्स हैं तो इस तरीके से दोनों की जो जांच की रिपोर्ट है उसे देखकर आप ये भी रिकॉग्नाइज कर सकें कि ये एम है और ये सीटी स्कैन है तो याद रखना इस तरह का देखने में जो विजुअलाइज पार्ट होगा उसमें स्लाइड्स होती हैं जो एक्सिस पर कैप्चर होती है इसके अंदर पूरा ऑर्गन आपको दिखाई दे रहा है तो ये जो आप जांच देख रहे हैं रिपोर्ट देख रहे हैं ये एमआरआई रिपोर्ट है तो दोनों की इमेजेस को आपको एक दूसरे से रिलेट करके देखना होगा ठीक है दोस्त थैंक यू सो मच इन्वेस्टिगेशन का बहुत छोटा सा क्लास था और छोटे-छोटे आज हम 5 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं इसके बाद भी अभी 10 मिनट के ब्रेक के बाद ही आपके और लेक्चर होंगे अभी तीन क्लासेस में अभी और कंप्लीट करवाऊंगा तो आप प्लीज कहीं जाइएगा नहीं उसके बाद बाकी के नोटिफिकेशन जो कल के लिए डले हुए हैं वो अभी क्लास कंप्लीट करेंगे वापिस थोड़ी देर बाद में तो आप बने रहिएगा और देखते रहिएगा थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू सो मच बेटर नॉलेज के लिए आपके पास समय से सारा कंटेंट पहुंचता रहे स्पेशल लेक्चर्स आप अटेंड करते रहें तो चैनल सब्सक्राइब करिए शेयर करिए थैंक टीयर बाय बाय लव यू